हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूलिप टिप्स फॉर यू। आज मैं आपको अपनी मेन गेट से, जहाँ से एंट्रेंस होती है, छोटा सा पोर्च गार्डन बना रखा है, जहाँ पे मिनिमम एक घंटे की या सवा घंटे की छन छन के मेरे प्लांट्स को धूप लगती रहती है, और उसमें मेरे प्लांट्स किस हालत में है, स्वस्थ है कि नहीं, मैं आज आपको उसका ओवरव्यू दूंगी। तो आप एंजॉय कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन गेट की एंट्रेंस से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरे गेट की एंट्रेंस है, और सबसे फर्स्ट मैंने ये चाइना पाम लगा रखा है, जिसकी आप देख सकते हो कि बिल्कुल फिट है, स्वस्थ है और अच्छे से खिला हुआ है। और इसके बाद में बारी आती है डेविल्स बैकबोन की, और काफ़ी हरा भरा और काफ़ी सुंदरता से ये मेरे गार्डन को महका रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देशी वाली वैरायटी है। और इसके बाद में बारी आती है, ये छोटा सा हेज प्लांट की कटिंग लगाई है, अभी चल रही है, हल्की सी ग्रो होने लग गई, नई नई पत्तियाँ भी निकल रही है इसमें। और फिर बारी आती है मोगरा की, जिसका कि मैंने आपको थोड़े दिनों पहले वीडियो दिखाया भी था। और इसके अंदर मैंने रख रखी है एक लेडी बग, बहुत ही प्यारी लगती है। गमले में जहाँ भी स्पेस खाली होता है, मैं लेडी बग रख देती हूँ, और प्लांट्स के बीच में रखी हुई लेडी बग मुझे काफ़ी प्रिय लगती है। और नेक्स्ट जो प्लांट है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी ये जो लीव्स हैं, इनसे देखिए कितने सारे बेबीज़ निकल रहे हैं, और इसका नाम है मदर ऑफ थाउजेंड्स, कि एक लीफ से इसमें बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। ये लीफ से निकल निकल के ये बेबीज़ गिरते रहते हैं और पूरे प्लांटर को कवर कर लेते हैं। और इसके बाद में बारी आती है फिर से डेविल्स बैकबोन की, ये देखिए वेरीगेटेड वेराइटी है, और इसकी पत्तियाँ काफ़ी सुंदर है। ये मैंने अभी क्या है, मौसम जब थोड़ा सा अच्छा हुआ तो मैंने दो भागों में मेरे प्लांट को चेंज कर लिया, आधा भाग मैंने टेरेस पे लगा दिया और आधा इसमें लगाया है। तो अभी देखिए, और कुछ प्रूनिंग भी हार्ड कर दी थी मैंने, ये आप देख सकते हैं, और अब नई नई लीव्स इसमें निकलने लग गई है, तो थोड़े दिनों में ये भी काफ़ी हरा भरा हो जाएगा। ये देखिए बहुत सारी प्रूनिंग कर दी थी और इसमें से नए नए पत्तियाँ निकल रही हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारा, ब्यूटीफुल सा, और बिना कोई माथापच्ची करे बहुत ही अच्छे से उग जाता है फ्रेंड्स। ये या यूँ कहिए कि बहुत इजी टू ग्रो है, एक बार लगाने के बाद में जिस तरीके से मैंने ये आपको देशी वाली वैरायटी दिखाई है, उसी तरीके से ये भी हरा भरा और पूरे गोलाई में ये पूरे प्लांट कवर कर लेता है अपने पूरे गार्डन को। उसके बाद में आता है एस्परेगस, और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें जो ये पोट ले रखा है, ये प्लास्टिक का, और यहाँ थोड़ी धूप कम आती है इसलिए थोड़ा सा कम फैला है, वरना ये पूरा इसमें कवर कर लेता है। नई नई ग्रोथ तो हुई है नीचे तक, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई जितनी मिट्टी के पोट में होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी ऐसा कोई पोट खरीदें तो आप मिट्टी के पोट खरीदना ज़्यादा उचित समझे बजाय प्लास्टिक के। प्लास्टिक के में लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में अगेन मोगरा है, और मोगरा के बाद में ये है मेरी रेन लिली, जो कि अभी ब्लूमिंग पे है, ये पोर्स में है, फिर भी इसमें कुछ ना कुछ फूल्स निकल आते हैं, देखिए, और इसमें ये कलियाँ भी नीचे बन रही हैं। इसके बाद में है मेरा कोचिया, और ये भी अभी अच्छी हालत में है, देख सकते हैं आप। और फिर ये मेरी एंट्रेंस आ गई है, और उसके बाद में है अगेन कोचिया, नीचे रखा हुआ है मैंने स्टेयर्स पे, ये जो मेरा फ्रॉग प्लांटर है, और उसमें ये है साइकस, जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और नई नई इस पर लीव्स आ गई हैं। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है ये बिल्कुल मेन गेट पे एंट्रेंस पे, कि जैसे ये बिल्कुल वेलकम करने के लिए ये पड़ा हो। और उसके बाद में आता है अपना फाइकस, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है और नई नई इस पर लीव्स निकल रही है। और इसके बाद में है ये तुलसी जी, जिसको मैं माता के रूप में मानती हूँ, और काफ़ी सेवा पूजा भी इनकी करनी पड़ती है। और हल्की हल्की देखिए मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दी है, ये आप देख सकते हैं प्रूनिंग मैंने इसकी कर दी है, और इसमें भी एक छोटी सी लेडी बग बहुत प्यारी सी लग रही है। और इसके बाद में है थूजा प्लांट, ये मेरा फ्रॉग प्लांटर जो कि मुझे बेहद प्रिय है, और इसमें मैंने थूजा लगा रखा है। और फिर आती है बारी क्रिसमस ट्री की, और उसके बाद में है मेरा रिया, देखिए रियो बिल्कुल इसने पोट को कवर कर लिया है और अनकंट्रोल्ड इसकी ग्रोथ हो गई है। बहुत सारी मैंने इसकी कटिंग्स लगा ली है, अभी और कटिंग्स लगानी बाकी है। और ये अगेन मेरा छोटा सा एक प्लांटर जो मेरा DIY बनाया हुआ है, इसमें एलोवेरा की कटिंग लगाई, सॉरी कटिंग नहीं, बेबीज़
लगाए थे और इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये देखिए छोटी सी नई नई इसमें लीव्स भी निकल रही हैं। ये एक छोटा सा डिब्बी है फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने ये थोड़ी सी इसमें मोस रोज लगाई और ये काफ़ी अच्छे से चल रही है। उसके बाद में आती है एमरेलिस लिली की बारी और ये भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। फिर अगेन ये सेंसिवेरिया ड्वार्फ वेराइटी और इसके दोनों साइड में मैंने बोटल प्लांटर बना रखे हैं और इसमें स्पाइडर प्लांट लगाए हैं। इसके बाद में है स्टारलाइट फाइकस और फिर है मेरी प्रिय मनी प्लांट, जिसका कि मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है मेरी मनी प्लांट की, ये देखिए। और इसको अच्छे से उस सूतली पे लपेटना बाकी रह गया है। और उसके बाद में है ये छोटा सा बोटल प्लांटर जिसमें जेड प्लांट लगा रखा है। नीचे की साइड में है ये डेफनबेकिया और बैक साइड में आप देख रहे हो ये मेरा बाउल प्लांटर मैंने बनाया था और उसमें ये वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया और काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है। डेफनबेकिया के बाद में है अगेन रियो के बाद में स्टारलाइट फाइकस, फिर छोटे से प्लांटर में मैंने आपको कटिंग लगाना बताया था और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा डिब्बा है पीछे और इसमें रियो अच्छे से चल रहा है। ये जो मैंने आपको मोस्टिक बनाना बताया था कोको कोयर से और इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है और अंदर इसमें ये रूट्स भी चली गई है अच्छे से। तो ये है मेरा एरो हेड जो कि काफ़ी अच्छे से और अच्छे से इसकी सुंदर सुंदर पत्तियाँ निकल गई हैं। इसके बाद में अगेन ड्वार्फ वेराइटी सेंसिवेरिया की, ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है और नई नई लीव्स निकल रही हैं। फिर है मेरा नोलिना पाम, ये भी बहुत प्यारा लगता है मुझे और ये मेरी बेटी ने इसमें अपनी डॉल भी रख दी है, जब भी मैं कुछ डेकोर करती रहती हूँ तो वो भी अपने खिलौने ला के यहाँ पे रखती रहती है और ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है मेरा सेंसेवेरिया। तो इस तरीके से कुछ सामने से लुक आता है, यूँ आप देखिए बिल्कुल फ्रंट से मेरा गार्डन इस तरीके से लगता है। ऊपर की साइड में मैंने आपको ये प्लांटर भी काफ़ी बार दिखाया है, दूसरा प्लांटर अभी मैंने अंदर रख रखा है, उसकी थोड़ी सी केयर कर रही हूँ, उसके बाद में जब वो अच्छा हो जाएगा तो आपको वो भी दिखाऊंगी। और इधर से लुक आता है एंट्रेंस का इस तरीके से कुछ, और फिर अगेन इधर मैंने ये आपको ये प्लांट्स दिखाए हुए हैं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, उसके बाद में है ड्रेसिना मार्जिनाटा, ये भी काफ़ी सुंदर से पोर्ट में लगाया हुआ मेरा बर्ड प्लांटर है। फिर है एस्पेरागस, देखिए फ्रेंड्स इसकी ग्रोथ देखिए, मिट्टी के प्लांटर में है इसलिए इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। ये है मेरा गोल्डन डस्ट क्रोटन और उसके बाद में आता है मेरा फिश प्लांटर जिसमें जेड प्लांट लगाया हुआ है और ये है बैम्बू प्लांट और इसके अंदर मैंने रख रखी है लेडीबग और साथ में छोटा सा एक मेरे यहाँ चिड़िया ने नेस्ट बनाया था, वो चली गई, बच्चे उड़ गए, उसके बाद मैंने इसमें दो वाइट स्टोन रख दिए और ये नेस्ट मैंने अपने इसमें डेकोर करने के लिए रख लिया है। और उसके बाद में ये अगेन दूसरी वेराइटी है सेंसिवेरिया की और ये छोटे से मनी प्लांट की मैंने कटिंग्स लगाई थी और इसमें काफ़ी नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं, काफ़ी सुंदर ये लग रहा है। और इसमें भी मैंने छोटे छोटे बेबीज़ लगाए थे स्पाइडर प्लांट के, ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है ये प्लांटर, इसमें भी मैंने स्पाइडर प्लांट लगा लिया है ताकि काफ़ी अच्छे से ये बालों का लुक दे। अगेन एस्पेरेगस और फिर है मेरा एरिका पाम जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं ये मॉस रोज लगाई है बोटल प्लांटर में और इधर ये मैंने लगाया हुआ है लिली प्लांट और ये भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से इसमें ब्लूमिंग हो रही है। फिर आता है मेरा टी एरिया जहाँ पे अक्सर हम बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और ये आ गया मेरा झूला जिसको मैंने आपको बताया था बच्चों के झूले से मैंने ये प्लांटर बनाया था और इसमें काफ़ी अच्छे से प्लांट्स लग चुके हैं। ये देखिए इसमें ये ग्रोथ कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है पर्पल हार्ट की और बीच में एस्पेरेगस, फिर पर्पल हार्ट और एस्पेरेगस और बीच में मैंने ये बया का नेस्ट लगाया हुआ है डेकोर करने के लिए, ऊपर की साइड में कबूतर पीजन बिठाए हुए हैं और नीचे मॉसरोज लगाई हुई है बोटल प्लांटर में, बीच में है मनी प्लांट्स जो कि पानी में ग्रो किया है और नीचे की साइड में अगेन ये मॉसरोज लगाई हुई है। इस तरीके से मेरा ये एरिया जो टी वाला एरिया है जहाँ पर बैठ के हम अक्सर टी पीते हैं और बच्चे अक्सर यहाँ पे एंजॉय करते हैं, इस तरीके से मेरा ये एरिया है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, ये मेरा छोटा सा पोर्च गार्डन है जहाँ पे हल्की हल्की छन करके धूप आती है और मैंने इस तरीके से इसको डेकोर कर रखा है। अगर आपको ये मेरा गार्डन अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आपको, अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इस तरीके से छन छन करके धूप यहाँ आती रहती है और मेरे गार्डन को ब्यूटीफुल बनाती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।